अटेंशन, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, फिर वो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनका यूनिट निकालना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, लेंथ का मीटर, तो क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर, जिससे क्या हो गया दोस्तों टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को वेबर बोला जाता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर का ही नाम क्या हो जाता है, वेबर। इससे ज़्यादा फेमस जो है वेबर ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इससे यूनिट ये निकलेगा। इसका एक और यूनिट निकल सकता है वोल्ट बाई मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर वीएम। अब आप देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। आपने इलेक्ट्रोस्टेट के पहले चैप्टर में ही पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, जिसमें एप्सिलॉन आ रहा है, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकालना है, एफ को नीचे ले जाइए। अब इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकालिए 1/4 पाई, इनका कोई यूनिट नहीं होगा, चार्ज का कूलम, कूलम इंटू कूलम, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो जिससे आ गया कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। जो नए लोग हैं उनके लिए यहाँ नोटिस डाला गया, यूट्यूब पे जाकर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे जाकर लिखें आप एनएससी क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर, उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद लोगों को दबाइएगा, ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगा, फिर 11, 12 आपको अलग अलग मिलेगा, वहाँ पर वहाँ से आपको खोजने में आसानी होगी। कुछ लोगों को काफ़ी कंप्लेन आ रही है कि जल्दी मिल नहीं रहा है, तो आपको जो टॉपिक चाहिए उसको टाइप करने से भी आपको मिल जाता है, डायरेक्ट यूट्यूब पे टॉपिक का नाम और लिखिए भाई हामिद सर, तो आपको वो टॉपिक आपका निकल जाएगा, वो लेक्चर आप वहाँ से निकाल सकते हैं, जिनका भी छूटा हुआ वहाँ से देखिए। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो जो यूनिट दोस्तों एप्सिलॉन का होता है वही एप्सिलॉन नॉट का भी होता है, दोनों के यूनिट सेम होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर इनवर्स 2। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड जहां भी रहे, एक बात कॉमन याद रख लो, रिलेटिव किसी के नाम के सामने लगा हुआ है तो जनरली उसका कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, एज ए ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, एप्सिलॉन आर से नोट किया गया था, फॉर्मूला था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन का यूनिट ये पड़ा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर इनवर्स 2, और फिर नीचे भी वही है, कैंसिल होगा, नो यूनिट। अब आपको परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये आपने मैग्नेटिज्म में अभी हाल फिलहाल पढ़ा है कूलम्स लॉ में, ये फॉर्मूला आया, यहाँ से म्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और म्यू का यूनिट निकालिए। फोर्स का यूनिट न्यूटन, 4 पाई का कुछ नहीं, आर डिस्टेंस है इसका, मीटर स्क्वायर है, M1 M2 पोल स्ट्रेंथ है, मास नहीं, यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, मास का यूनिट डाल देते हैं। अब मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो एम्पियर न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। इसी तरह से परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, इनका भी यूनिट म्यू के ही इक्वल होगा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। फिर आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी आ गया, जिसको म्यू आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला म्यू बाई म्यू नॉट है, अभी आपने देखा दोनों का सेम है, कैंसिल, नो यूनिट। मैंने पहले ही कहा ना, रिलेटिव वर्ड यहाँ आ जाए वहाँ कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। अब 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका निकालिए। तो एक तो आपका एक लंबा मेथड है कि आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को डाल के तब सॉल्व कीजिए, या डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट, निर्वात में प्रकाश का वेग, तो फॉर्मूला वेलोसिटी का है। देखिए फाइनली वही यूनिट निकला है मीटर सेकेंड इनवर्स,
तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दे सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हाफ सी वी स्क्वायर, आपने ये पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, कंडेंसर्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल। एनर्जी है तो एनर्जी जिसका फॉर्मूला वही यूनिट हो जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इन सब का यूनिट क्या होगा जूल ही होगा, क्योंकि ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ही सारे रूप हैं, इसलिए इन सब का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, क्या होगा जूल होगा। इसको ऑफ कीजिए। Gracias.